जीटी रोड बाटापुर के इलाके में मलक नवाब खान के साहबजादे अलहाज मलक मोहम्मद अशरफ अवान नंबरदार की पहली बरसी पर मजलिस अज़ा और ख़त्म शरीफ का इनेकाद किया गया। मरहूम के बेटे मलक सफदर रज़ा अवान, अली रज़ा अवान, हसनैन रज़ा अवान और मलक हमाद रज़ा की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया था, जिसमें एजाज डयाल, ब्रिगेडियर मुजफ्फर राजा, डीजी एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद अरशद भट्टी, एडिशनल डीजी फूड अथॉरिटी कर्नल बिलाल बड़ाइच, साबिक विंग कमांडर वागा चौधरी बाबर, मलक लियाकत अवान, मलक इमरान अब्बास अवान, मलक वकार अवान, डीजी एग्रीकल्चरल डॉक्टर अब्बास, रजिस्ट्रार जनरल हॉस्पिटल, चार्टर्ड अकाउंटेंट शुजा अली जैदी, मलक हसन जहीर, जमील भट्ट, चौधरी शौकत हयात अब डगरा, चौधरी गुलाम हुसैन गुज्जर, मलक शौकत अवान, मलक आसफ नंबरदार, मलक यूनस अवान, सैयद हसन असलम डगरा, मंजूर अवान, सदर बागा टाउन मलक नवाज़ अवान समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर राय जफर अली, मौलाना हसन रजा कुम्मी, मौलाना कमर अब्बास मुजाहिद, सैयद शकील जैदी ने मजलिस अज़ा और ख़त्म शरीफ से खताब किया। मरहूम के साले सवाब के लिए मजलिस अज़ा और ख़त्म शरीफ में अलामा जफर अली और मौलाना अमजद अली आपदी ने खुसूसी दुआ करवाई। اللهم ارزقنا مؤمنين حاضرين حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اسے قبول فرما خدا یہ پارچات مستحقین تک پہنچائے جائیں گے اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما خدایا تلاوت قرآن کا ثواب مجلس عزا کا ثواب جو بھی تیرے نزدیک ہے ہم چہاردہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیث کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ اسلم ابراہیم سٹی ون نیوز لاہور